समाजवादी पार्टी में जो बिखराव 2017 में हुआ उसका नतीजा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जिसमें पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी और विरोधियों को सत्ता मिल गई। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम कुनबा एक हो सकता है और इसके संकेत एक बार फिर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दिए हैं। तो क्या कहना है शिवपाल यादव का, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या फिर एक हो जाएगा मुलायम कुनबा? क्या समाजवादी पार्टी को फिर मजबूत करेंगे अखिलेश और शिवपाल? पुरानी बातें भुलाकर 2022 में एक साथ आएंगे चाचा भतीजे? ये सवाल तो लोकसभा चुनाव के बाद से कई बार उठ चुके हैं, जिसका जवाब कई बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने दिया। दोनों ने गठबंधन कर परिवार को एक करने के भी संकेत दिए, लेकिन अगले ही पल दोनों ने तर्क तेवर दिखाते हुए अलग अलग चलने की नीति अपना ली। मगर अब एक बार फिर मुलायम कुनबा एक होता नजर आ रहा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत होकर नई पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने साफ कहा है कि हमारा परिवार तो एक है, सिर्फ पार्टी अलग अलग है। शिवपाल ने मीडिया से कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में अभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सेफई परिवार में खींचतान नहीं है, सिर्फ पार्टियां अलग अलग हैं। इस वक्त शिवपाल के इस बयान से एक बार फिर नए राजनीतिक कयास लगाने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव तक उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। उनके पार्टी के प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से तालमेल जरूर करेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह चाबी ही रहेगा। एक तरफ जहां शिवपाल अपने परिवार के एक होने का जिक्र कर रहे थे, तो वहीं वो बीजेपी पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से परेशानियां ही परेशानियां हो रही हैं। जनता की समस्याओं को दूर करने के बजाय अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सरकार को अन्नदाताओं के लिए 2 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए। खैर, बीजेपी पर विरोधियों का बरसना तो आम बात है, लेकिन देखना ये है कि क्या यूपी में 2022 का चुनाव गिले शिकवे भुलाकर मुलायम कुनबे को एक कर पाएगा या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।